दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली ने काफी हद तक कोविड 19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। किया था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये दो एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। मैं उनसे सहमत हूं, व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूं, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूं, और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने डेढ़ महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है, उनकी उसको मैं समझता हूं, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी, हम तो वैक्सीन मांग रहे हैं। वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहां से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। ये वाला टाइम तूतू में करने का नहीं है, ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है, ये एक दूसरे के साथ तर्क कुतर्क करने का टाइम नहीं है। देश बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है, दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वैक्सीनेशन इसका एकमात्र समाधान है, तो पूरे देश को मिलके वैक्सीन खरीदनी चाहिए, राज्य सरकारों को बांट दे, हम वैक्सीन लगा देंगे। ये तर्क। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।